हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्नर डॉट कॉम अगर आपके पास है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर या फिर सुजू की ग्रैंड वेटारा तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग इसमें जो ऑडियो सिस्टम आता है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं सभी फीचर्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हैं इसके इंटरफेस को इस इसपे जो फिजिकल बटन्स दिए गए हैं बेसिकली कैपेसिटिव टच वाले तो इसके अंदर आपको जो बटन्स दिख रहे हैं सिंपली यहाँ पर म्यूट का बटन है वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है होम स्क्रीन पर आने का बटन है अगर आप किसी भी मेन्यू में वहाँ से होम स्क्रीन पर आने के लिए फ़ोन डायल करने के लिए है यहाँ पर आप मीडिया का सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं ये वॉइस असिस्टेंट का बटन है उसके अलावा ये आपका बटन आपको ऑडियो सिस्टम स्टैंड बाई पर भी ला सकते हैं जिसमें आपको वॉल एंड क्लॉक दिखाई देती है और अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस कर कर रखते हैं तो ये आपके ऑडियो सिस्टम को टर्न ऑफ भी कर देता है तो ये तो थे जो इस पे बटन्स दिए गए हैं अब शुरुआत करते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो टॉप से अगर आप बात करें जो क्विक एक्सेस हब जिसे कहते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है तो यहां पर आपको ऊपर चार आइकन दिए गए हैं जिसमें सिस्टम बीप आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं उसके अलावा आप क्लॉक का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं एंड ब्राइटनेस जो है वो ऑटो मोड पर रख सकते हैं या फिर डे और नाइट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसे आप प्रेफरेबली ऑटो मोड पर ही रखिए उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको ये आईकन्स दिख रहे हैं तो ये बेसिकली टोटल आठ होते हैं चार और चार तो इन्हें आप एक बार ही फटाफट देख लेते हैं माय इमेजेस के अंदर आपको जो वॉलपेपर इसके अंदर स्टोर्ड हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उसके अलावा नेक्स्ट है कॉल टू कॉन्टैक्ट तो आपको जो भी फोन आपने पेयर किया हुआ है यहां से आप कॉन्टेक्ट की लिस्ट खोलकर उस पर कॉल कर सकते हैं जो भी डिवाइसेस पेयर हैं ब्लूटूथ के थ्रू उनकी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी और साथ ही डिस्प्ले सेटिंग्स डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर काफी कुछ है ये हम लोग आपको आगे फर्दर सेटिंग्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे उसके अलावा नेक्स्ट फोर स्क्रीन आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं जिसमें मीडिया की सेटिंग्स डेट एंड टाइम की सेटिंग्स क्विक गाइड है जिसके अंदर आपको छोटी छोटी चीजों की अगर हेल्प चाहिए रिलेटेड टू मीडिया कॉल करना वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा और फोन के कॉन्टैक्ट्स जो भी मोबाइल आपका पेर्ड है वो आपको यहां पर दिखेंगे तो यहां पर आपको दो तीन आइटम्स और मिलते हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं इस बटन के थ्रू तो इसे आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन एडिशनल आइकन्स और हैं जिन्हें आप ड्रैग कर कर इन आठ आइकन्स से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें यूएसबी फोटोज एंड यूएसबी वीडियोज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरी थी कि क्या आप इस ऑडियो सिस्टम के अंदर वीडियोस प्ले कर सकते हैं तो जी हाँ आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं थ्रू यूएसबी डिवाइस तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट को अगर आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर अपने नीचे वाले आइकन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो अब बेसिकली आपका ये इस लिस्ट के अंदर यूएस बी भी आपको देखने को मिलेगा तो ये तो था क्विक एक्सेस हब अब आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर तो होम स्क्रीन का इंटरफेस काफी सिंपल है देखने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे बट इट इज वेरी सिंपल ऊपर आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिलता है यहां पर आपने जो साउंड का एमियन सेलेक्ट कर, सक, कर रखा है लाइव वो इस टाइम पर आपको शो कर रहा है और राइट इन कॉर्नर में आपको दिख रहा है वायरलेस चार्जिंग तो ये जब आइकन आ रहा है दैट मीन्स द वायरलेस चार्जर इज रेडी टू चार्ज आप अपना कंपेटेबल डिवाइस यहाँ पर पैड पर रख सकते हैं चार्जिंग पैड पर और आपका जो मोबाइल है वो चार्ज हो जाएगा तो एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं जो कि सॉर्ट ऑफ हिडन फीचर है कि अगर आप अपना डोर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेड अलर्ट मिलता है दैट मीन्स जो चार्जिंग है वो डिसेबल हो जाती है जैसे ही आप डोर को ओपन करते हैं और डोर क्लोज करते ही वायरलेस चार्जर फिर से चार्जिंग को स्टार्ट कर देता है तो अब नीचे के आइकन में आते हैं सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है यहाँ पर आपको आपका ब्लूटूथ जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो यहाँ पर आपको शो करेगा ठीक है उसके अलावा यहां से आप अगर चाहें तो कनेक्ट भी कर सकते हैं नए डिवाइस को पेयर भी कर सकते हैं उसके बाद नीचे फेवरेट में आपको सेटिंग्स खुलती हैं सारी सेटिंग्स हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पेड डिवाइस की लिस्ट यहां से देखने को मिलती है अगेन ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहां पर भी मिलता है और सेटिंग्स में हम जाएंगे अभी डिटेल के अंदर आपको बताएंगे राइट हैंड साइड में जो ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर आप तीन स्क्रीन हैं जो कि स्क्रॉल कर कर आप अपनी मनचाही चीज रख सकते हैं जिसमें सबसे पहले है टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर आप एनर्जी फ्लो मॉनिटर को भी सेट कर सकते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो आपका करंट सोर्स ऑफ ड्राइविंग जो है वो यहां पर आपको शो करेगा और तीसरा आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर सेट कर कर रख सकते हैं तो जो भी आप आप चाहें वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं और बीच में आपको दो चीजें मिलती हैं लेफ्ट एंड साइड में आपको आपका करंट मीडिया दिखता है जिसे आप चाहें तो स्क्रॉल कर कर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं सोर्स को अदरवाइज जैसा कि पहले आपको बताया था यहाँ से आप मीडिया का सोर्स यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं तो यहां से आप सोर्स को यहां से तो, अगर आप चाहें, तो यहां से भी स्क्रॉल कर, कर मीडिया को चेंज कर सकते हैं उसके अलावा राइट हैंड साइड में आपको सिंपल एक एनालॉग क्लॉक और नीचे कैलेंडर देखने को मिलता है तो ये है बेसिक इसका इंटरफेस ऑडियो सिस्टम का अब बढ़ते हैं सेटिंग्स की तरफ जो कि है इसका मेन पार्ट तो सेटिंग्स में आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर फेवरेट जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ से भी आपका सेटिंग्स वाला पार्ट ओपन होता है तो सेटिंग्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिस्टम सेटिंग्स की बात करें अगर तो सिस्टम सेटिंग्स में आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स मिलती हैं जिसमें आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और वॉलपेपर मोड वगैरह यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा डेट एंड टाइम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऑडियो सिस्टम का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो जो आपका की पैड है वो लॉक रहे ड्राइविंग के टाइम पे वो आप यहां से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने स्टेयरिंग व्हील के कंट्रोल्स को यहां से भी आप स्क्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर अगर बढ़े तो अटेंचुएट वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स तो जैसे ही आप रिवर्स करते हैं आपका वॉल्यूम बिल्कुल ऑलमोस्ट टेन परसेंट पर आ जाता है वो आप यहां से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर आप चाहें तो पिन प्रोटेक्शन यानी कि एक पिन आप सेट कर सकते हैं इस ऑडियो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए तो आप यहां से अनेबल कर इस पर एक पिन कोड भी लगा सकते हैं उसके अलावा वेलकम मैसेज की अगर बात करें तो जब भी आप ऑडियो सिस्टम या आपका व्हीकल जब स्टार्ट होता है तो आप क्या चाहते हैं जो आपको एक वेलकम मैसेज सुनाई दे वो आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं यहां से तो यहां पर आपको दो ऑप्शन होते हैं या तो आपको एज पर द करंट टाइम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोले या फिर वेलकम बोले और साथ ही आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं तो मान लीजिए अगर वेलकम के आगे मैं यहां से अनेबल करता हूँ यहां पर मैंने सैम्पल के तौर पर मान लीजिए राहुल लिख दिया तो अब आप वॉल्यूम आप राहुल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वेलकम राहुल करके वेलकम राहुल ये पुकारेगा तो ये था आपका वेलकम मैसेज स्क्रीन उसके अलावा क्विक गाइड है जो कि हमने क्विक एक्सेस हब से भी देखा था सेम यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ से आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं एंड फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं नेक्स्ट सेटिंग स्क्रीन है रिलेटेड टू मीडिया मीडिया सेटिंग के अंदर आपका प्रीमियम साउंड जो भी साउंड से रिलेटेड सेटिंग है सेलेक्ट कर सकते हैं तो जो एमियंस आपको यहां पर दिखाई दे रहा था वो आप चाहे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं लाइव एंड बेस तो जो भी आप चाहे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज बैलेंस फेडर जो कि होता है कि आप फ्रंट या रियर जो भी हैं किस किसकी तरफ वॉल्यूम आउटपुट आप रखना चाहते हैं इक्वलाइजर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कुछ प्रीसेट भी है या फिर आप कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम अपना डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स यहां से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं रिलेटेड टू कॉल रिंग टोन वगैरह तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं उनको स्पीड डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम कंट्रोल जो कि होती है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जैसे ही कम होती है तो ऑडियो सिस्टम की आवाज भी आपकी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है आपको ड्राइविंग अलर्ट बनाए रखने के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अगली स्क्रीन पर बढ़ते हैं यहाँ पर है आपका कनेक्टिविटी सेटिंग्स तो कनेक्टिविटी सेटिंग्स में सबसे पहले आपको मिलता है पेड डिवाइस लिस्ट जो भी आपके डिवाइसेस पेड हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन रिलेटेड सेटिंग्स इसमें आप रिंगटोन टोन कॉन्टैक्ट इमेज कॉन्टैक्ट शोर्ट करना ये सब चीज़ें रिलेटेड टू फोन जो है आपका जो भी पेयड है वो यहाँ से आप कर सकते हैं वाई फाई यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं वॉइस असिस्टेंट जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा उसके थ्रू आप इसको पूरा अच्छे से जान सकते हैं तो उसे आप अनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं और बाकी सभी सेटिंग्स वॉइस असिस्टेंट की आपको यहाँ पर मिलेंगी उसके अलावा लास्ट स्क्रीन जो है दैट इज व्हीकल इन्फो सेटिंग तो व्हीकल इन्फो में आपको अलर्ट नोटिफिकेशन आए आपके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर और कौन कौन से अलर्ट वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं उसके अलावा अलर्ट वॉइस प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो भी आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं तो ये थी सभी सेटिंग्स और ये है इसका कंप्लीट इंटरफेस तो आपको अगर कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए और इस प्रकार की हमने बहुत सारी और वीडियोज भी अपने चैनल पर अपलोड की हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी तो इस तरह की वीडियोज देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम